हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन तैयारी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि ऐसे 20,000 वैकेंसीज जो कि क्लोज होने वाली है जुलाई के मंथ में। तो यदि आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे तो आपको मेजर स्टेट लेवल रेलवे एग्जाम और बाकी सारे एग्जाम्स की वैकेंसीज पता लग जाएंगी जिनकी एप्लीकेशन डेट्स जुलाई में क्लोज हो रही हैं। तो यदि आप जानना चाहते हैं कि कौन सी एग्जाम्स की एप्लीकेशन डेट्स क्लोज हो रही है या आप उसको आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो हमने लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन में दिए, पीडीएफ में दे दिए हैं। आप उसको क्लिक करके डायरेक्टली अप्लाई नाउ कर सकते हैं और वहां पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो जैसे कि आपको हम हर मंथ गवर्नमेंट जॉब एग्जाम एप्लीकेशंस के बारे में बताते हैं जो कि मंथली वाइज क्लोज होती हैं। तो यदि आपने लास्ट मंथ की चेकआउट नहीं की तो हमने अराउंड 43,000 प्लस गवर्नमेंट जॉब एग्जाम एप्लीकेशन के बारे में बताया है जो कि क्लोज हो चुकी हैं लास्ट मंथ ही। और अभी स्टूडेंट्स जो प्रिपेयर कर रहे हैं वो हमारी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो, एग्जाम प्रिपरेशन टिप्स और ट्रिक्स वगैरह भी उसमें बताई गई हैं। तो अभी इस महीने के हम गवर्नमेंट एग्जाम एप्लीकेशन डिस्कस करने वाले हैं जो कि जुलाई के मंथ में क्लोज होने वाली है। अब जुलाई में अराउंड 20,000 पोस्ट के लिए गवर्नमेंट एग्जाम एप्लीकेशन क्लोज होने वाली हैं। तो चेकआउट करते हैं कि अब गवर्नमेंट एग्जाम एप्लीकेशन कौन सी क्लोज होने वाली है। ये पीडीएफ जिसके बारे में हम आपको डिस्प्ले में दिखा रहे हैं ये आपके डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल है, तो आप चाहें तो इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। और इसमें हमने लिंक्स भी अटैच किए हैं जहाँ पे आप जाके डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। तो ये है ऑनलाइन तैयारी का स्पेशल पीडीएफ वाली एक वीडियो जो हमने आपके लिए बनाया है, क्योंकि आपके रिस्पॉन्सेज काफ़ी अच्छे आए हैं इसके ऊपर। तो अगर आपको ऐसी टाइप की वीडियोस पहले से ही पसंद हैं या आप ऐसी टाइप की वीडियोस और चाहते हैं तो आप हमें ज़रूर नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए और बताइए कि आपको किस चीज़ के ऊपर हमारी पीडीएफ फॉर्मेट में चाहिए या हमारे आपको चाहिए आपको किसी और फॉर्मेट में चाहिए कि हम उसके बारे में ज़्यादा डिटेल में बताएं। अगर आपको एग्ज़ाम रिलेटेड कुछ भी चाहिए तो हमारी प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर से देखिएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं यहीं से। तो गवर्नमेंट एग्जाम एप्लीकेशन जो कि जुलाई में बंद होने वाली है, जिनका एग्जाम का अप्लाई करने का लास्ट डेट जुलाई में है। तो फर्स्ट है हमारा इसमें आईबीपीएस आरआईबी। आप जानती होंगे बैंकिंग में सबसे बड़ा वन ऑफ द मोस्ट बिगेस्ट एग्जाम है आईबीपीएस आरआईबी का, जिसका एग्जाम का लास्ट डेट अप्लाई करने का है 2 जुलाई 2018। इसमें कितनी वैकेंसीज हैं, 10,190 वैकेंसीज हैं और इसमें ऑफिसर स्केल 1, 2 और 3 तीनों के पोस्ट अवेलेबल हैं। एज लिमिट अगर पूछा जाए इसका तो क्या है, इसका एज लिमिट 21 to 40 ईयर्स, लेकिन ये डिपेंड करता है पोस्ट के ऊपर। तो आप चाहें तो चेक कर सकते हैं इसको उसकी ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक पे जाके, जो कि हमने इस पीडीएफ में डिस्क्रिप्शन में जो पीडीएफ है उसमें लिंक अटैच्ड है, तो आप उसे डायरेक्टली क्लिक कर सकते जा सकते हैं। मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट क्या है इसकी, ग्रेजुएशन की रिक्वायरमेंट है इसमें। सेकेंड है हमारा बीओबी पीजीडी बीएफ, यानी कि बैंक ऑफ बड़ौदा का पीजीडी बीएफ का एग्जाम अप्लाई करने का लास्ट डेट है 2 जुलाई 2018। तो इसमें कितनी वैकेंसीज हैं, इसमें टोटल 600 वैकेंसीज है। इसमें पोस्ट कौन सी अवेलेबल है, पीओ की पोस्ट अवेलेबल है और इसकी एज लिमिट क्या है, अगर आप अप्लाई करने के लिए सोचते हैं तो उसकी एज लिमिट है 20 to 28 ईयर्स। वो उससे ज़्यादा भी हो सकती है, उसके लिए अलग रिलैक्सेशन क्राइटेरियाज होंगे, वो आपको उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके ही चेक करना पड़ेगा। इसका जो लिंक है हमने इसमें अटैच किया हुआ है और इसकी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट है वो ग्रेजुएशन विद 55%, यानी कि आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए किसी भी कोर्स में विद 55%। अब इसकी डिटेल के बारे में जानने के लिए आप हमारे एग्जाम पेज पे आईबीपीएस ऑनलाइन तैयारी के आईबीपीएस आरआरबी के एग्जाम पेज पे जाके देख सकते हैं या आप जाके आईबीपीएस की ऑफिशियल लिंक पे भी देख सकते हैं जो कि इस पीडीएफ में ऑलरेडी अटैच्ड है। तो नेक्स्ट पर चलते हैं हमारे RVUNL JE और जूनियर केमिस्ट इन्फॉर्मेटिक्स असिस्टेंट ऑनलाइन फॉर्म, ये अवेलेबल है राजस्थान स्टेट के लिए। अब इसका भी लास्ट डेट अप्लाई करने का है 2 जुलाई 2018। इसमें टोटल कितनी पोस्ट है, 1,151। इसमें पोस्ट किस कौन सी अवेलेबल है, JE का है, जूनियर इंजीनियर का है, जूनियर इन्फॉर्मेटिक्स का असिस्टेंट है और इसी का ऑनलाइन फॉर्म भी अवेलेबल है। तो अब इसकी एज ग्रुप क्या है, 21 to 40 ईयर्स है। इसमें जो मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट है, इसमें डिप्लोमा होनी चाहिए या ग्रेजुएशन होनी चाहिए, डिग्री होनी चाहिए या पीजी एप्लीकेबल एज पर पोस्ट, यानी कि पोस्ट के अकॉर्डिंग इसमें आपका होना चाहिए, वो आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके देखना पड़ेगा जिसकी लिंक हमने लगाई हुई है। नेक्स्ट है हमारा MPPEB ग्रुप 4। अब इसका एग्जाम 6 जुलाई 2018 को है। इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 2,714 है और इसमें जो पोस्ट अवेलेबल है, असिस्टेंट ग्रेड 3 स्टेनोग्राफर, स्टेनोग्राफर टाइप
टाइपिस्ट, डीईओ और अदर पोस्ट भी अवेलेबल है। और इसकी जो एज लिमिट है वो 18 to 40 ईयर्स है। इसके अंदर कौन अप्लाई कर सकता है, क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायरमेंट है, ये है इसका कि आपको 18 to 40 ईयर्स के एज ग्रुप के बीच में जो लोग हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट वाइज डिफरेंट हो सकता है, जो आप उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके देख सकते हैं। क्वालिफिकेशंस जो दी गई हैं वो हैं 10+2 होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए, बीई होना चाहिए, बीएससी होना चाहिए, बी या इनमें से कोई भी होना चाहिए, बीसीए होना चाहिए, एमसीए होना चाहिए, एमएससी, एमई, एमटेक, कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड एमपी, सीपीटीसी, सीपीसीटी सर्टिफिकेट। और इसमें कोई जो रिक्वायरमेंट है, अगर आपको डिटेल में जानना है कौन सी पोस्ट की कौन सी रिक्वायरमेंट है, तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके विजिट करिए, तो वहां पे आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट है हमारे एनएचएम यूपी वेरियस, एनएचएम की यूपी वेरियस वैकेंसीज ऑनलाइन फॉर्म अवेलेबल है। इसका एग्जाम 8 जुलाई 2018 का होने वाला है। इसमें टोटल 2,390 वैकेंसीज है। इसमें हमने पोस्ट का मेंशन इसलिए नहीं किया क्योंकि जैसे हमने लिखा है कि यूपी में वेरियस वैकेंसीज हैं इसी फॉर्म के थ्रू, तो 2,390 वैकेंसीज हैं। अब कौन सी पोस्ट की कितनी वैकेंसीज है, कौन से डिटेल्स हैं, वो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए और उस पर देखिए। आपको अगर इंटरेस्ट है तो उसमें आप अप्लाई कर दीजिए, और लिंक अप्लाई करने का हमने आपको पीडीएफ में दिया हुआ है ऑलरेडी। नेक्स्ट हमारा इसमें इसके अंदर के आपको क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट क्या है, 10th पास होना चाहिए, 12th क्लास होना चाहिए, एनी डिग्री होना चाहिए, पीजी डिग्री होना चाहिए, या डिप्लोमा होना चाहिए, या पीएचडी होना चाहिए, या एमफिल होना चाहिए। तो ये इसकी रिक्वायरमेंट्स है जो कि इसकी वेरियस वैकेंसीज के ऊपर निर्भर करती है। नेक्स्ट है हमारा हरियाणा पावर यूटिलिटीज असिस्टेंट इंजीनियर ऑनलाइन फॉर्म। इसका एग्जामिनेशन 1 अगस्त 2018 का होने वाला है। इसका लास्ट डेट अप्लाई करने का है 1 अगस्त 2018। इसके अंदर टोटल 105 वैकेंसीज है। असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की वैकेंसीज है और इसकी एज लिमिट है 20 to 42 ईयर्स। और इसके अंदर क्वालिफिकेशन क्या है, इंजीनियरिंग डिग्री विथ मिनिमम 60% मार्क्स। तो ये इसकी उसके बाद हमने आपको ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक भी दिया हुआ है, तो आप चाहें तो वहां पे जाके अप्लाई कर सकते हैं 1 अगस्त से पहले, क्योंकि उसके बाद वो डेडलाइन क्लोज हो जाएगी अप्लाई करने की। नेक्स्ट है हमारा एमपीपी केवीवीसीएल ऑफिस असिस्टेंट ग्रेड 3 ऑनलाइन फॉर्म 2018। तो ये भी ओपन है 21st of July 2018 तक, और इसके अंदर टोटल 300 वैकेंसीज हैं। इसके अंदर ऑफिस असिस्टेंट ग्रेड 3 की पोस्ट की वैकेंसीज हैं। अब एज ग्रुप क्या है इसका, 18 to 45 ईयर्स। कौन अप्लाई कर सकता है, 12th क्लास कंप्यूटर सर्टिफिकेट होना चाहिए बंदे के पास, या कोई भी पर्सन जो अप्लाई कर रहा है 12th क्लास होनी चाहिए और कंप्यूटर सर्टिफिकेट होना चाहिए। और ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक भी दिया हुआ है ना, आप डिटेल्स जानने के लिए वहां पर जरूर जाइए और अप्लाई कर दीजिए अगर आपको इंटरेस्ट है तो। नेक्स्ट है हमारा एमपीपी केवीवीसीएल के अंदर ये एक और है हमारा वैकेंसी, लाइन अटेंडेंट ऑनलाइन फॉर्म। इसकी भी लास्ट डेट अप्लाई करने की है 21 जुलाई 2018। तो इसके अंदर टोटल 361 वैकेंसी है लाइन अटेंडेंट की, और एज ग्रुप जो है इसका 18 to 45 ईयर्स है। कौन अप्लाई कर सकता है इसको, 10th क्लास पास अप्लाई कर सकता है, आईटीआई होना चाहिए रेलिवेंट ट्रेड के अंदर, यानी कि जो भी उसका रेलिवेंट ट्रेड होगा उसके अंदर उनका आईटीआई होना चाहिए। और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे का लिंक दिया हुआ है हमने, जैसे आपको पहले ही बताया था कि उसमें आप जाके अप्लाई कर सकते हैं। और वीडियो एंड करने से पहले मैं आपको अब तैयारी प्लस के बारे में जरूर बताऊंगा कि हमने तैयारी प्लस के अंदर काफी कुछ एड ऑन किया है, जैसे कि काउंसलिंग सेशंस हो गए है, फ्री आपको मंथली करंट अफेयर्स की डाइजेस्ट मिलती है, साथ ही आपको प्रिपरेशन के लिए अनलिमिटेड मॉक टेस्ट मिलते हैं अगले 12 महीनों के लिए। तो यदि आप इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी भी एग्जाम की, या कोई भी स्टेट लेवल एग्जाम हो, या आपका रेलवे एग्जाम हो, एसएससी हो, बैंकिंग हो, पीसीएस का हो, तो आप इसके अंदर देख सकते हैं कि इसमें बहुत सारे प्रैक्टिस के लिए पेपर्स अवेलेबल हैं, प्लस एक आपको एडिशनल काउंसलिंग सेशन भी मिलता है, और ये पूरे 12 महीनों के लिए है सिर्फ 399 के अंदर। तो अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं या सब्सक्राइब करना चाहते हैं, तो आपको इसके अंदर ही लिंक अटैच है पीडीएफ की, तो आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको सीधा पेज पे ले जाएगा, आप सब्सक्राइबर बने, और आपको सारे मॉक टेस्ट जो हमारे जितने भी मॉक टेस्ट हैं, पेड मॉक टेस्ट हैं, वो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं बस ऐड टू मॉक टेस्ट करके आसानी से। और आपको उसके लिए कोई भी एडिशनल कॉस्ट देने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, आप सीधा जाके प्रैक्टिस करिए, अपने पेपर क्लियर करिए और गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी पूरी करिए अपनी।
और हम यही चाहते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स यानी कि एस्पिरेंट्स जो भी गवर्नमेंट एग्जाम या गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वो उनके पास मैक्सिमम टेस्ट पेपर्स हो, उनको अलग अलग जाके जगह जाके खरीदना ना पड़े, एक ही प्लेटफॉर्म पे उन्हें सब कुछ मिल जाए, इसलिए हमने ये आपके लिए तैयारी प्लस बनाया है। तो आप जरूर से इसके अंदर सब्सक्राइब करें, और उसके बाद हम आपसे ये भी रिक्वेस्ट करेंगे, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, अगर आपका कोई फैमिली में इंटरेस्टेड है। यदि आपको कोई स्पेसिफिक एग्जाम रिलेटेड क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए। यदि आपको किसी चीज़ में या किसी पोस्ट के रिगार्डिंग आपको जानना है, तो आप एग्जाम नीचे जाके एग्जाम के बारे में जानना है, तो आप कमेंट सेक्शन में करिए, हम आपको ज़रूर रिप्लाई करेंगे। आपकी कोई पीडीएफ की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है या वीडियो की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है तो हमें इस कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, हम आपको ज़रूर से उसके अंदर आंसर देंगे और आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करेंगे। और यदि आपको ऐसे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो हमारे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, हम आपको ऐसी वीडियोस और भी ला के देंगे, और हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ बने रहें। तो और आपके जो दोस्त हैं या आपकी जो फैमिली मेम्बर्स हैं, अगर वो प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनको ये चैनल ज़रूर सजेस्ट करिए, क्योंकि हम आपको रोज़ टिप्स एंड ट्रिक्स बताते हैं, आरपीएफ के बताते हैं, या आपको हम एसएससी के बताते हैं, या हम आपको यूपीएससी के भी बताते हैं। तो आपको इनसे रेलिवेंट जो भी डिटेल्स है आप हमारे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं, और आपको काफ़ी एग्जाम में प्रिपरेशन में हेल्प हो जाएगी, क्योंकि ये जो वीडियोस बनाए गए हैं ये हमारे एक्सपर्ट्स ने बनाए हैं, जिन्होंने ऑलमोस्ट सबने क्लियर कर लिया एग्जाम, और वो अपने ज्वाइनिंग डेट की वेट कर रहे हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स वॉच करने के लिए। आपको अगर ऐसी टाइप की वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। यदि आपको तुरंत चाहिए कोई भी हमारी नोटिफिकेशन जो कि हम वीडियो अपलोड करते हैं यूट्यूब चैनल पे, तो आप सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और उसके बाद बेल आइकन को क्लिक करें, इससे आपको ईमेल और फोन नोटिफिकेशन दोनों मिल जाएगा। तो और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसमें लाइक बटन जरूर दबाइएगा, नीचे कमेंट्स में मेंशन करिएगा कि आपको किस टाइप की वीडियो चाहिए या आपको इस टाइप का वीडियो अच्छा लगा कि नहीं। और यदि आपको जून की एप्लीकेशन जो 43,742 एप्लीकेशन बंद हो चुकी है उनके बारे में जानना है, तो वीडियो के एंड में आप जाके उसको देख सकते हैं, या मैंने एक लिंक अटैच किया है डिस्क्रिप्शन में, उसको भी क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, बने रहिए ऑनलाइन तैयारी के साथ।